اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم عزت بزرگ اور دوستو اور معزز سامعین کرام अल्लाह रब इज़्ज़त का बेहद फजल करम एहसान शुक्र कि जिस रब ज़ुल जलाल ने इस पुरफितन दौर के अंदर इस गए गुजरे दौर के अंदर हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम सब उसके इस पाक घर के अंदर हाजिर हों। आमीन या अल्लाह। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ किसी भी नए काम को अंजाम देना इंसान की कमाल नहीं हुआ करती बल्कि उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत शामिल हाल हुआ करती तो खैर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये हाजिरी का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारी बात का करना बात का सुनना यहाँ बैठना नमाज जुम्मा का अदा करना खुतबा देना खुतबा सुनना कबूल फरमाए हमारे लिए दुनिया के अंदर हिदायत का आखिरत के अंदर नजात का दरिया बनाए। बुजुर्गो अल्लाह के एक और एहसान ये भी है हम पर बहुत सारे एहसान थे लेकिन एक एहसान ये भी है कि उस रबेजुल जलाल ने हम सबको माए सियाम यानी रमजान मुबारक जैसा बाबरकत मुकद्दस महीना अता फरमाया। खैर आज रमजान मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है पहले बारे अशरे के बारे में फरमाया गया है कि पहला अशरा जो है वो अशरा रहमत का है। अब वो अशरा तो हमारी जिंदगी से गुजर चुका चला गया वो 10 दिन तो हमारी जिंदगी से निकल गए अगर हम उल्टे भी लटकते रहे वो 10 दिन वापस आ सकते हैं नहीं आए। हमारी जिंदगी से एक मिनट एक सेकंड एक हफ्ता एक महीना या एक साल जो भी घड़ियां हमारी जिंदगी से गुजर गई हम जो भी मर्जी है कर ले वापस हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आने वाली। तो खैर पहला अशरा रमजान का जो था वो क्या कौन सा था बुजुर्गों रहमत का अशरा। अब दूसरा दरमियानी अशरा चल रहा है इसके बारे में फरमाया गया ये मगफिरत का अशरा है और फिर आखिरी अशरा जो आएगा तीसरा अशरा जो है उसके बारे में फरमाया गया कि ये वो अशरा है यानी वाखिरहु इत्कु मिनन नार यानी दोजख से आजादी का जहन्नम से आजादी का जहन्नम से बरी और जिंदा होने का। तो खैर आज दरमियानी अशरा चल रहा है जो कौन सा है मगफिरत। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों का नुजूल बरकतों का नुजूल मौसलाधार बारिश की तरह हम पर हो रहा है जो गुनहगार बंधु के गुनाहों को क्या करता है धोकर पाक और साफ उनको करता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे भी अल्लाह की रहमतों से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आमतौर पर ये रिवाज है कि अक्सर व बेशतर देखा गया कि लोग
बाकी महीनों के मुकाबले में रमजान और मुबारक के अंदर बढ़ चढ़ कर ज़कात के अंदर हिस्सा लेते हैं। इनका मंशा ये है, इनकी मर्जी ये है, इनकी सोच ये हुआ करती है कि इस महीने के अंदर अगर हम ज़कात अदा करेंगे तो दूसरे महीनों से अफजल है ज़कात अदा करना। मुबारक हो ऐसी सोच को, बहुत बड़ी सोच है, बड़ी जबरदस्त ये सोच है, क्योंकि रमजान मुबारक के अंदर अमाल का अजर जो है वो डबल हो जाता है। बड़े ही खुशनसीब लोग हैं, बड़े ही बामुराद लोग हैं, बड़े ही मुबारक लोग हैं वो लोग जो इस महीने के अंदर ज़कात का अहम फरीजा अदा करके 70 गुना ज्यादा सवाब के मुस्तहिक बनते हैं। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, एक अहादीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, जो शख्स रमजान अल मुबारक के अंदर अल्लाह की खुशनूदी, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज यानी नफल अदा करता है वो ऐसा है जैसे उसने गैर रमजान के अंदर फर्ज अदा कर लिया, और जो इस महीने के अंदर फर्ज अदा करता है उसको बाकी महीनों के अंदर 70 फर्ज अदा करने के बराबर अजर व सवाब मिलता है। अब जो इस महीने के अंदर ज़कात दी जा रही है वो ज़कात गैर फर्ज मत है, वो नफल मत है, वो तो फर्ज ऐन है। वो क्या है? वो इसका इस्लाम का अहम और बुनियादी रुकन है। अब जो अदा करेगा तो उसको कितने फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा? 70 फर्जों के बराबर। अब मेयर तो आप जानते नहीं 70 फर्जों का सवाब कितना होता है, इसका जाने वाला अल्लाह है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इबादत के अंदर, अमाल के अंदर सबसे बढ़कर सवाब अगर किसी इबादत का हुआ करता है वो फर्ज इबादत का हुआ करता है। जो मैंने खुतबे के अंदर सूरह मुज़म्मल की आखिरी आयत पढ़ी थी, पहली आयत दो पढ़ी थी, एक दसवें पारे की और एक सूरह मुज़म्मल की, इसके अंदर इसी अहम फरीजे को बयान किया गया, यानी जिसे हम ज़कात कहते हैं, जिसे हम ज़कात कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन पर फर्ज है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बड़े जोक व शोक के साथ अदा कर रहे हैं, लेकिन एक तबका, बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये एतराज करता है, बावजूद इस्तेदाद के, कुव्वत के होने के वो ज़कात अदा नहीं करता। वो ये सोचता है कि ज़कात अदा करने से माल घट जाता है, हकीकत में घटता नहीं, हकीकत में ज़कात बढ़ता है, माल बढ़ता है ज़कात अदा करने से। मेरी एक बात याद रखे और लिख कर ले जाए, अल्लाह का सही मानू के अंदर नेक बंदा बनने के लिए इस दो चीजों का होना निहायत ही जरूरी है। पहली चीज के बंदे का अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ गहरा रब्त हो, गहरा ताल्लुक हो, गहरा वास्ता हो, और दूसरा अल्लाह की मखलूक के साथ भी गहरा ताल्लुक हो, गहरा वास्ता हो। अब जो आयत मैंने पढ़ी थी इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने साथ गहरा ताल्लुक कायम करने के लिए किस चीज का हुक्म दिया बुजुर्गों? वाकीमुस्सला, सला अरबी में नमाज को कहा गया कि नमाज ही अल्लाह का कुर्ब इंसान को दिलाती है, नमाज ही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है, नमाज से बढ़कर इंसान अल्लाह का कुर्ब किसी इबादत के जरिए से हासिल नहीं कर सकता। और दूसरी चीज फरमाई वआतुज़्ज़का, अपना कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, और बंदों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी, बाहमी इत्तेफाक और ताल्लुक कायम करने के लिए ज़कात का हुक्म दिया। फरमाया अकीमुस्सला वातुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात के लुग़वी माने क्या है? तहारुत के, तहारत के, जैसे قد افلح من تزكى وحنانا من لدن وزكى, और इसके दूसरे माने फरमाया बढ़ने के, यानी ज़कात कहां ही उसे गया जो माल के बढ़ाने का सबब बने। ज़कात, ज़कात को ज़कात इसलिए कहा जाता है कि इससे माल घटता नहीं बल्कि क्या होता है? बढ़ता है। ये हमारी अकल कहती है नहीं, तुम 100 रुपए में से 250 रुपए दोगे तो तुम्हारे पास 57.5 इतने ही रह जाएंगे, ये तो अकल कहती है, मगर हकीकत में
माल अल्लाह की राह में खर्च करने से घटता नहीं, बढ़ जाता है। और बुजुर्गो, ये ज़कात का निजाम सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर फर्ज नहीं है, इससे पहली उम्मतों पर भी फर्ज था। तमाम आसमानी किताबों में ज़कात का जिक्र किया गया है और कुरान की जुबान के अंदर हमें इसकी तारीख का इल्म होता है। बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वाकीमुस्सलाह वातुज़्ज़का, हमने उनसे अहद लिया था कि आप ज़कात अदा करें, नमाज की पाबंदी करें और ज़कात अदा करें। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया सूरह मरियम के अंदर, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी वकाना रसूलन नबिया वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाह वकाना इंदा रब्बिहि मरज़िया, कि ए नबी, कुरान मजीद के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा करो, वो वादे का बिल्कुल सच्चा था, वो लोगों को नमाज अदा करने के बारे में कहता था और ज़कात अदा करने के बारे में कहता था और हमारा बड़ा ही पसंदीदा बंदा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे जिंदगी भर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को कायम करने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है, वाउसानी बिस्सलाह वाउसानी बिस्सलाह मा दुमतु हय्या। अगर हम कुरान के ऊपर गौर करेंगे, अगर हम कुरान को पढ़ेंगे, तो बस कहने का मकसद और मुद्दा यही है बुजुर्ग और दोस्तों कि ज़कात उम्मत मुहम्मदिया पर भी फर्ज है, उससे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज ही है, कोई नई बात नहीं है, किसी उम्मत के ऊपर फर्ज है। जैसे रोजों के बारे में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ईमान वालों तुम पर रोजे क्या किए गए, फर्ज किए गए, जैसा कि तुमसे पहले दूसरे लोगों पर भी फर्ज थे। रोजे का मकसद और मुद्दा क्या है, कि तुम तक्वे वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे अंदर खौफ खुदा का जज्बा तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाए। ये बंदा रमजान के अंदर हलाल चीजों को भी हराम कर लेता है इस वजह से कि मेरा रब मुझे देख रहा है, ये इस चीज की प्रैक्टिस है, ये इस चीज की तैयारी है कि तुम बाकी 11 महीनों के अंदर हराम को इस वजह से छोड़ दो कि तुम्हारा रब उसके अंदर रमजान के अंदर भी देख रहा है और विदाउट रमजान भी देख रहा है, नया रमजान के अंदर भी देख रहा है। तो कहने का मकसद और मुद्दा यही है कि ज़कात इस उम्मत के ऊपर भी फर्ज है और पहली उम्मतों के ऊपर भी फर्ज थी। अगर हम कुरान को देखेंगे, अगर हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह हमें नसीब फरमाए पढ़ना, वैसे तो बड़ी दूरी है। पिछली मर्तबा मैंने कहा था कि अगर हम किसी का बुजुर्गो, ये बात सिर्फ आप अपने ऊपर ना लिया करें, ये तो सारों के लिए हुआ करती है, मिम्बर रसूल से सिर्फ आप ही के बारे में नहीं कहा जाता, ये कहने वाला भी मोहताज ही हुआ करता है, मगर बासा औकात लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, जी उसने मुझे कहा, आपको किसने कहा, कब आपका नाम लिया गया, इसके अंदर तो हम सब आ जाते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर हम सोशल मीडिया चेक करेंगे तो पता चलेगा, थोड़े टाइम इसने व्हाट्सएप को रेस्ट दिया, थोड़े टाइम पहले इसने फेसबुक को, बाकी चीजों को रेस्ट दिया, लेकिन अगर कुरान के बारे में तहकीक करेंगे तो लास्ट सीन क्या होगा। 2022 के रमजान में खोला था इसने, आज 2023 का रमजान चल रहा। तो एक आदमी कह रहा था, जी हाफिज साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हकीकत सुनने में तकलीफ हुआ करती है हम लोगों को, हकीकत कहाँ बर्दाश्त होती है हमें, हम तो गिब्बत सुनना बर्दाश्त करते हैं, हकीकत सुनना गवारा नहीं करते। खैर बुजुर्गों, मिम्बर रसूल से जो बात कही जाती है ये सुनने वालों के लिए नहीं हुआ करती, कहने वाला भी इस चीज का मोहताज हुआ करता है। तो खैर, अगर हम कुरान को देखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो कुरान के अंदर बारहा मकामात पर आपको एक चीज मिलेगी, क्या, अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला, उसके बाद दूसरा लफ्ज क्या है, वातुस्सला, यानी जहां अकीमुस्सला अकीमुस्सला का जिक्र किया गया है, इन अल्फाज के इस्तेमाल किया गया है, वहां नमाज के साथ ज़कात के बारे में भी कहा गया, अकीमुस्सला वातुस्सला, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करते रहो। जब अकीमुस्सलाह के साथ वातुस्सका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो यो नमाज की अहमियत के साथ साथ ज़कात की अहमियत का भी इल्म इससे हमें मालूम हो जाता है।
और एक जगह फरमाया खुद मिन अम्वालिहिम सदकतन तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहि, इनके मालों में से ज़कात लीजिए और इनके मालों को पाक व साफ कर दीजिए और इनके लिए दुआ कीजिए। एक जगह फरमाया फैंताबु व अकामु सला व आतु ज़का फखल्लु सबीलहु, फिर अगर ये तौबा कर लें नमाज की पाबंदी करने लग जाए ज़कात देने लगे तो इनका रास्ता छोड़ दो। बुजुर्गो इन जैसी बहुत सारी आयात के अंदर कुरान मजीद के अंदर नमाज के अल्फाज के साथ जहां अकीमुस सला कहा गया वातु ज़का के अल्फाज को भी इस्तेमाल किया गया। खैर अगर हम अब कुरान से हटकर, ऐसा नहीं कुरान को छोड़ दिया, नहीं, बल्कि अब हम कुरान को अलग छोड़कर अलग अगर हदीस के ऊपर गौर करते, यानी इससे पहले किस पर गौर हो रहा था, कुरान मजीद के ऊपर, अगर हम अहदीस के ऊपर गौर करें तो अहदीस के अंदर भी जहां नमाज का जिक्र आया है साथ साथ ज़कात का भी जिक्र मिलता है, बिल्कुल मिलाकर जिक्र किया गया है ज़कात को भी। जब भी कोई शख्स जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के अहकाम दरियाफत करने की कोशिश किया करता था ना बुजुर्गों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नमाज के बाद फौरन पहले दर्जे पर ज़कात के बारे में बताया करते थे। यानी नमाज के बाद अव्वल दर्जा किसको दिया जाता था, ज़कात को। और सन 9 हिजरी के अंदर जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम का दाई बनाकर यमन की तरफ भेजा था तो आपने इस्लाम के मजहबी फराइज की तरगीब ये बताई थी कि अवलन तौहीद की दावत देना, सानियन 5 वक्त की नमाज पढ़ाना और सौम यानी तीसरी चीज, और उनको ये भी कहना कि अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया है उसके ऊपर ज़कात भी फर्ज हुआ करता है। अब जहां हमने गौर किया कुरान के ऊपर गौर किया तो वहां भी नमाज के साथ किसका जिक्र मिला, ज़कात का। अहदीस के ऊपर गौर किया तो किसका जिक्र मिला नमाज के बाद, ज़कात का जिक्र मिला। अब लोगों के अंदर लोग हम सब जो है, हम में से बाज लोग बड़े अजीब मिजाज के लोग हुआ करते हैं, हम में से बाज वो हैं जो समझाने से समझ आते हैं, नसीहत करने से फौरन उसे कबूल कर लेते हैं, उसके बाद अमल करना शुरू कर देते हैं, और हम में से बाज लोग अल्लाह हिफाजत फरमाए सख्त मिजाज भी हुआ करते हैं जिनके लिए सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है। तो खैर कुरान मजीद के अंदर और हदीस के अंदर जहां ज़कात देने पर फ़ज़ाइल मिलते हैं वहां ज़कात ना अदा करने पर वईदें भी आई है। कुरान के अंदर फरमाया वल्लज़ीना यक्नज़ूना अज़्ज़हबा वल्फिज़्ज़ा वला युन्फ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जो लोग कुरान के मानों से वाकिफ हैं, जो लोग कुरान का मतलब पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, वो ये जानते हैं कि अज़ाब अलीम का अल्फाज इस्तेमाल होते ही इंसान का जिस्म लरज जाता है कि अज़ाब अलीम क्या चीज है, जिसे नहीं पता तो उसे तो क्या है। तो फरमाया वल्लज़ीना यक्नज़ूना अज़्ज़हबा वल्फिज़्ज़ा वला युन्फ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाब अलीम, जो लोग सोना और चांदी को अपने लिए गाड़ कर रखते हैं यानी अपने लिए छुपा कर रखते हैं, जमा रखते हैं, फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, वो अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च नहीं करते, फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इन लोगों के लिए दर्दनाक आदाब की खुशखबरी सुना दीजिए। और इससे आगे आने वाली जो आयत है अगर इसके ऊपर हम गौर करेंगे, इसके मानों के ऊपर गौर और खोज करेंगे, इसके माने अगर हमें मालूम हो जाएंगे तो फिर बुजुर्गो वल्ला इंसान का जिस्म लरज जाता है, जुबान रुक जाती है, जिस्म से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर इस आयत के माने हर मुसलमान को पता चल जाए ना तो वल्ला ये बात कह सकते हैं कि उसका हाल अबू बकर व उमर, अली व उस्मान, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह हो जाएगा जिनके पास अगर एक दिरहम भी हुआ करता था, जब तक ये लोग उसको अल्लाह की राह में खर्च ना करते थे तब तक इन लोगों को नींद नहीं आया करती थी। अगर इनके पास एक दिरहम भी होता था ये अपने पास जब तक रखते थे तब तक इन्हें नींद
नहीं आया करती थी। इन्हें सुकून उस वक्त मिलता था जब ये एक दिरहम को अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। हमें तो शौक हो गया ना गिन गिन के रखने का, फलां बैंक के अंदर भी जमा करो, फलां बैंक के अंदर भी अकाउंट खोलो, घर के अंदर दुगनी वगैरह है तो वो भी बार के रखो। हमें तो जमा करने का शौक हो गया, मगर अगर इंसान लगाएगा अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो बुजुर्गों वल्ला जमा करने से, जमा कर कर रखने से ज्यादा मजा और सुकून है अल्लाह की राह में खर्च करने का। आयत क्या है इसके ऊपर हम आयत को देखेंगे, उसके मानों के ऊपर गौर करेंगे। यौमा युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अन्फुसिकुम फज़ूकू मा कुन्तुम तक़्ज़िबून। कि जब इनके इन मालों से जो इन्होंने क्या किया, जमा किया अपने लिए रखा, जब इनके इन मालों से दोज़ख की आग को भड़काया जाएगा, दहकाया जाएगा, फिर इनके जिस्मों को उससे दागा जाएगा, इनकी पाशानियों को, इनकी पीठों को, इनकी करवटों को जब उससे दाग दिया जाएगा और फिर इनसे कहा जाएगा ये है वो तुम्हारा माल जिसे तुम अपने लिए गाड़ कर रखा करते थे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे, अब इस गाड़े हुए माल का मजा चखो। अब हजरात मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिस्म के आज़ा तो बहुत सारे थे, सिर्फ पीठों को, सिर्फ पाशानी को, सिर्फ पहलुओं को क्यों जिक्र किया? इस वजह से कि आपने ये देखा होगा, इसका तजर्बा किया होगा कि जब एक साहिल किसी से मांगने के लिए आता है या जब ज़कात के तलबगार किसी से ज़कात तलब करने के लिए आते हैं तो उससे देखते ही उस कंजूस को, उस बखील को सबसे पहले उसकी उसके बाल कहाँ पड़ता है? माथे के ऊपर। सबसे पहले बाल कहाँ आता है? माथे के ऊपर। और उसके बाद इससे ये नजरें छुड़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दाएं बाएं मुड़ने की कोशिश करता है, और अगर फिर भी जान नहीं छूटती तो फिर क्या करता है? कमर उसकी तरफ फेर लेता है, पीठ फेर लेता है, रुख दूसरी तरफ कर लेता है। इसलिए इन चीजों को खास इस्तेमाल किया गया अजाब के लिए। किसको? पेशानी को, पहलू को और इनकी पीठों को। कि जब इंसान से कोई मांगने के लिए आता है तो बाल कहाँ पड़ता है? आपने देखा होगा वो कहते हैं जी थोड़ा उसके बाल माथे के ऊपर बल पड़ गया। जो कुजूस होता है ना जब उससे मांगने के लिए वो आता है, पहले बाल कहाँ पड़ता है? माथे के ऊपर। फिर उसे अपनी जान छुड़ाने के लिए दाएं बाएं मुड़ने की कोशिश करता है, फिर भी जान ना छूटे तो फिर क्या करता है? पीठ ही उसकी तरफ मोड़ लेता है। तो इसलिए इन तीन आज़ा को खास तौर पर इस्तेमाल किया। तो खैर बुजुर्ग और दोस्तों, जहाँ शरीयत इस्लामिया के अंदर ज़कात अदा करने के ऊपर फजाइल मिलते हैं, वहीं ज़कात ना अदा करने के ऊपर वाइदे भी आई हैं और बड़ी सख्त वाइदे आई हैं। इसलिए बुजुर्गों, बढ़ चढ़ कर जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, फर्ज है, वो ज़कात अदा करने की कोशिश करें। देखें कब तक हम जमा रखेंगे, और वल्ला जो हम अकाउंटों के अंदर जमा करते हैं ना वो वहीं पर रहता है, तो कफन हमें उन पैसों से दिया जाता है जो घर के अंदर मौजूद हुआ करते हैं, वो बैंक बैलेंस वहीं पर रहता है। मरने वाला मर जाता है, खाती उसकी औलादे है, हिसाब उसको देना पड़ता है जिसने जमा किया। इसलिए गिन गिन कर हम रखने का शौक ना पैदा करें, बल्कि अल्लाह की राह के अंदर खर्च करने का शौक बनाए, जज्बा बनाए। और रमजान मुबारक के अंदर खूब, मैं फिर कहा करता हूँ कि खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, फर्ज है, वो ज़कात अदा करें, क्योंकि इस महीने के अंदर अमाल का अजर डबल हो जाता है। ज़कात की बेहतरीन जगह बताएं, ये मदारस भी है, गरीब गुरबा और ये मदारस। तहकीक कर लें कौन ज़कात का मुस्तहिक है, उन तक ज़कात पहुंचाए, ये उनका हक है, उन तक ज़कात पहुंचाने की कोशिश करें। और दूसरी बात भी मुझे ये करनी है, पहली तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, एक तो ज़कात अदा करेंगे, दूसरी एक और चीज साथ में अर्ज करनी है, दो तीन दिन के बाद एक चीज और आने वाली है, एक और अमल आ रहा है जिसे इत्तेकाफ कहा जाता है। हजरत अम्मा आशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है,
कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर इत्तेकाफ फरमाया करते थे, और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वफात दे दी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात इत्तेकाफ फरमाती थी। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत उनसे मरवी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए खुशनूदी के लिए एक दिन का इत्तेकाफ करता है, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान तीन खंदकों की आड़ बना देता है। और एक खंदक की मुसाफत क्या बयान फरमाई, आसमान से जमीन की दरमियानी मुसाफत जो है इससे भी ज्यादा चौड़ी उस एक खंदक की मुसाफत है। जो शख्स सिर्फ किस कितने दिन के इत्तेकाफ, ऑनली वन डे, एक दिन के इत्तेकाफ करता है, अल्लाह उसको इस ये बदला अता फरमाता है कि उसके और जहन्नम के दरमियान तीन खंदकों की आड़ बना देता है। तो अल्लाहु अकबर, जो शख्स 10 दिन के इत्तेकाफ करता है उसे क्या फजीलत हासिल होगी। और फिर एक और रिवायत है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तेकाफ करने वाला शख्स गुनाहों से महफूज रहता है और उसको वो नेकियां भी मिलती हैं जो वो नहीं करता, जिनको पहले वो खुद बजाते खुद किया करता था। मतलब इत्तेकाफ करने के दो फायदे, पहला फायदा जब इंसान जितने दिन इत्तेकाफ करेगा तो पाक जगह, जाहिर सी बात है पाक जगह बैठेगा, अच्छे माहौल में बैठेगा तो गुनाहों से क्या रहेगा, हिफाजत, इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, एक फायदा ये। दूसरा फायदा ये कि जो अमाल वो बाहर जाकर किया करता था, मसलन जनाजे के अंदर शिरकत करता था, गरीब गुरबा की इमदाद करता था, बीमार की आयादत के लिए जाया करता था, उलमा की मजालस के अंदर शिरकत किया करता था, तो एतकाफ के अंदर जब बैठेगा तो ये अमाल मत कर सकेगा, लेकिन इसको फिर भी वैसा ही सवाब मिलेगा जैसे ये खुद उनको करता था। तो दो फायदे हैं, इसलिए बुजुर्गो दोस्तों एतकाफ के अंदर इसको बोझ ना समझो, इत्तेकाफ के अंदर बैठने की कोशिश करो। जब हम मर जाएंगे तो उस वक्त कहेंगे कि या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, मस्जिद से कभी निकलेंगे ही नहीं, लेकिन मोहलत फिर कभी नहीं मिलती। तो अभी से इरादा करें कम से कम हमारी जान इसके अंदर गांव के अंदर जितनी भी मस्जिद हैं कम अज कम कोई भी मस्जिद ऐसी ना रहे जिसके अंदर कोई भी इत्तेकाफ वाला ना हो। कम से कम कम दौर के अंदर कम दर्जे के अंदर ये इरादा या सब ये पुख्ता हो, लेकिन इसकी फिक्र इंशाल्लाह मैं उनके जरिए उनके सुपुर्द लगाता हूँ जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं। वो मस्जिद की फिक्र करें कि हमारी मस्जिद ऐसा ना हो कि इत्तेकाफ करने वाले से खाली रह जाए। एक इत्तेकाफ कर लेगा सारे को तरफ से हल हो जाएगा, हो जाएगा, कोई भी नहीं करेगा तो बस्ती की बस्ती गुनहगार है। अब गुनाहों से बचाने की बचने की कोशिश करती है या नहीं, फिर इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के इत्तेकाफ कर। ज्यादा लंबे लंबे चौड़े मसाइल नहीं है इसके, लेकिन जब पेश आ जाए तो उलमा इकराम के साथ राबता करें, उनसे पूछे मसाइल को। मुझे लगता है इसको तोड़ने के लिए एक ही चीज है, मोबाइल साथ ले जाएंगे, इसके ऊपर लगे रहेंगे, कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी जिससे इत्तेकाफ टूट जाए, या दूसरी चीज बगैर इजाजत के बाहर जाएंगे तो इत्तेकाफ टूट जाए, और ज्यादा मसाइल नहीं। लेकिन अगर कोई मसला पेश आ जाए तो आपने इमाम साहब से राबता करें, वो आपको बताएंगे, या वो उलमा इकराम से राबता करेंगे, फिर आप उनसे राबता करा देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इत्तेकाफ का अमल 2 या 4 दिन के बाद आ रहा है, इंशाल्लाह इसकी भी फिक्र करेंगे, बढ़ चढ़ कर ज़कात अदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब अमल की तौफीक दे। एक जरूरी ऐलान